सिलचर पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में आक्रोशित स्थिति, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिलचर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार सुबह छात्र संघ चुनाव हुआ। दोपहर बाद नतीजे घोषित किए गए। छात्रों के एक समूह ने शिकायत की कि जीतने वाले छात्रों ने हारने वाले छात्रों पर पथराव किया है। वहीं एक छात्र पत्थर लगने से घायल हो गया, उसे तुरंत सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पहुंची। तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहां तक कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में CRPF भी तैनात कर दी गई है। इस बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य संजीव सिन्हा ने कहा कि हालांकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो गया, लेकिन दोपहर में किसी ने पथराव किया और एक छात्र को घायल कर दिया और इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। स्टूडेंट्स यूनियन माने छात्र संघर इते आज के छात्र संसदे हमारे निर्वाचन छो तो सकाल बेला निर्वाचन खूब सुंदर भाव और दोपहर दोटा थे काउंटिंग और काउंटिंग जो शेष रिजल्ट डिक्लेयर हार पर जो छात्रगुल बाहर होते से तो जरा हारे से ता मने एक दुख पे ता मने क्षुभित जरा जीते से ता एक बस उत्फुल्लित क्षुभित और उत्फुल्लित मध्य एक खई हल्लार मत हो ता जो बाहर हार समय तो एन क्यों कईते ना जे मैं बोलना जी हो घटनाटा तो गेटर बहर थे तो रास्तार मैं कलेज कैम्पास गेटर लगे ही संलग्न हाँ तो गेटर बहर थे क्यों पाथर मारे एन पाथर हम स्टूडेंट मारते परे क्यों ता जीतु ये स्टूडेंट आटार बैर मानुष को कईते गति के जीतु हमें ये देखी ना हाँ हमें देखी नहीं तो हमार पक्षे ये कहटा खूब खूब ही असम्भव क्योंकि मैं बैर थे मैंने बैर मान कैम्पास बैर थे पाथर मेरे ওই পাথর মারার সময় একজন স্টুডেন্টের মাথাতে লেগেছে তারপরে ছেলেটাকে পুলিশের সঙ্গে ওই সময় এখানে পুলিশও উপস্থিত ছিল পুলিশই তারে মেডিকেলে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে এখন সব কিছু আমরা ছাত্রটার তরফ থেকে কোনো ধরনের এরকম খবর পেয়ে নাই যে ছাত্রটা খুব বেশি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে আমার মনে হয় ছাত্রটা ভালো অবস্থাতেই আছে আর যারা গেছিল পুলিশও খবর দিয়েছে তার প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টটা হয়ে গেছে হয়ে গিয়ে তাকে ডিসপোজ করা হয়ে গেছে গিয়ে বলেছে এখন কথা হয়েছে কি এই যে ছাত্রগুলা যে বাইরে এক ছাত্র গ্রুপ রয়েছে তারা বলতেছে যে যারা ক্ষুভিত ছাত্ররা বলতেছে যারা নির্বাচনে জিতেছে তারা এই কাজ করেছে তো কইয়া এই যে উত্তেজনা এই উত্তেজনার ফলে যারা হারেছে হ্যাঁ এই নির্বাচনে তারা বাইর হওয়ার জন্য মানে তারা বলছে যে তারা এদেরকে অ্যাটাক করবে কইয়া তারা বাইর হইতে চাইতেছে না আর তার ফলে এখন পুলিশ আমি পুলিশ যে